ये बनता नहीं था एक्चुअली, ये गोडाउन था, दिवाली की वजह से बंद था। यहाँ पे कहते हैं जो स्टील कैबिनेट्स और कैबिनेट्स रहते हैं जो बाथरूम के ऊपर लगते हैं, माने वॉश बेसिन के ऊपर, उसका स्टॉक था। अभी हमने देखा सीसीटीवी में कि वो 12:01 पे कोई रॉकेट अंदर आया और वहाँ पे वो लगा, उसकी वजह से वो फायर उसने पकड़ लिया। नहीं अभी दोपहर में, हाँ दोपहर में किसी ने वहाँ पीछे बच्चों ने जलाया होगा क्रैकल्स वगैरह, तो वहाँ पे वो दुकान के अंदर वो आ गया रॉकेट ऊपर से और उसके अंदर फायर हो गया। लगभग कितना नुकसान? मैंने लगभग 12:05 पे फायर हुआ। अच्छा, नुकसान कितना हो गया? अंदाजन 2-2.5 लाख के अंदर हुआ होगा। अभी आप कंट्रोल में हैं? अभी थोड़ा बहुत लगा है, बोल रहे हैं हम लोग को तो ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं, फायर ब्रिगेड वाले बोल रहे हैं अभी है, जब तक स्टेबल हो जाए फिर हम लोग देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं, अंदाज लगेगा एकदम परफेक्ट। सर खरं म्हणजे दिवाळीच्या का या परिस्थितीमध्ये अनमोल ट्रेडर्स आहे आणि त्या ट्रेडर्सला नेहरू चौकाच्या बाजूलाच अगदी आहे त्याच्या गोडाऊनला आग लागली होती आणि ती आग आम्हाला वर्दी प्राप्त होताच, साधारणतः 12 वाजता आम्हाला वर्दी प्राप्त झाली, वर्दी प्राप्त होताच आमच्या अगोदर पोलीस डिपार्टमेंट राठोड साहेबांच्या आधिपत्याखाली या ठिकाणी कार्यरत होतं, त्यांनी मॉब कंट्रोल करण्याची चांगली कार्यवाही केल्यामुळे आग विझवण्यास आम्हाला अगदी सहजपणे यश आलं आणि ती कंट्रोल झाली, त्यामुळे आजूबाजूचे लोकांची नुकसान होणारी तीव्रता आम्ही कमी झाली असं म्हणण्यास वावं ठरणार नाही। त्या गोडाऊनमध्ये मला वाटतं प्लॅस्टिक आणि फर्निचर वगैरे असावा असा माझा अंदाज आहे, कारण आत्ता तर काही प्राथमिक अवस्थेत दिसत नाही आहे। आगीचं कारण काय समजू शकलं? आगीचं कारण प्रत्यक्षात अजूनपर्यंत आगीचं कारण मला समजू शकलेलं नाही।